पे। आपको बताएं डेप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आस्को नोटिस की समाअत, आस्को नोटिस की समाअत सदर के वकील अली जफर और वकील वजीर आजम के वकील दलाल मुकम्मल, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाल। नईम बुखारी ने कौमी सलामती कमेटी के मिनट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। कमेटी के इजलास में कौन कौन शरीक रहा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कमेटी इजलास के शुरका को किसने ब्रीफिंग दी? स्पीकर ने तहरीक अदम अतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की? असेंबली तहलील ना होती तो ऐवान डेप्टी स्पीकर के रूलिंग खत्म कर सकता था। स्पीकर का अदम अतमाद पर वोटिंग ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस जमाल मदुखेल कहते हैं अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता है तो क्या अदालत अब भी मुदाखलत करती? नईम बुखारी ने कहा जिस पर तहरीक अदम अतमाद पेश करने की मंजूरी का मतलब ये नहीं कि वो मुस्तरद नहीं हो सकती। अदालत भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करने के बाद खारिज करती है। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता था। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर के सुप्रीम कोर्ट में दलाए, पार्लिमानी कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो दादरसी कैसे होगी? जस्टिस जमाल मदुखेल ने कहा जबकि क्या दादरसी ना हो तो अदालत खामोश बैठी रहे। आइन का तहफ्फुज भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है। अगर ज्यादती किसी एक मेंबर के बजाय पूरे ऐवान से हो तो क्या होगा? चीफ जस्टिस ने कहा अगर जजेस के आपस में इख्तलाफ हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है? अली जफर ने कहा कि जैसे पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती वैसे अदलिया भी नहीं कर सकती। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद खोकर से। जी नवीद, डिप्टी स्पीकर के रूलिंग से मुतालिक आस्को नोटिस की समाअत हुई है, अपडेट कीजिएगा। जी नवीद, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आस्को नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, इस हवाले से बताएगा। आज बिल्कुल आपको बता दें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने वो अपने दलाइल शुरू कर दी है। आज जिस केस के अंदर आज कुछ नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्पीकर के रूलिंग चल रही, उसमें आज सबसे पहले सदर के वकील ने अपने दलाइल दिए, फिर दलाइल मुकम्मल होने के बाद नईम बुखारी ने फिर दलाइल वो शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ गुजारिश शायद करनी है अदालत से। उनका कहना था कि मैं अदालत के तमाम सवालों का भी जवाब आज दूंगा। इस मौके पर जस्टिस मजर आलम ने कहा कि हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं, आज आप काफी फ्रेश लग रहे हैं। जरा एक राइटर नोट है जाने से दिए गए थे नईम बुखारी के लिए। आज उन्होंने ये भी जस्टिस जमाल खान मंदोबेल ने ये भी कहा कि क्या स्पीकर का अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर नईम बुखारी ने कहा कि अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता है तो क्या अदालत में मुदाखलत कर सकती है। नईम बुखारी ने कहा कि माजी में जब असेंबली तोड़ी गई तो उसे गलत करार देने के बावजूद भी इलेक्शन के अमल को नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर के तरीके अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है, इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन स्पीकर का अख्तियार ये जरूर है। इस मौके पर नईम बुखारी ने कहा कि असेंबली कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया था। उनका कहना था कि तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। ये रिमार्क से ये दलाइल थे नईम बुखारी के। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मोशन और तहरीक के लफ्ज में क्या फर्क है। उस पर नईम बुखारी ने बताया कि मोशन और तहरीक के पास एक ही इस्तेमाल में इस्तेमाल होते हैं। आपको बताते चले इस दौरान वक्फा कर लिया गया था समाप्त में। इस वक्फे के बाद दोबारा जब केस की समाप्त शुरू हुई तो नईम बुखारी ने अपने दलाल अच्छा नवीद, आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली के हवाले से भी आपको नोटिस की समाअत हुई, उसके ऊपर क्या चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी और वकला के दरमियान क्या मुकालमा हुआ? सही अपडेट करें आपको डिप्टी स्पीकर के रूलिंग से मुतालिक आपको नोटिस की समाअत, सदर के वकील अली जफर और वकील वजीर आजम के दलाल मुकम्मल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाल। नईम बुखारी ने कौमी सलामती कमेटी के मिनट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। कमेटी के इजलास में कौन कौन शरीक रहा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कमेटी इजलास के शुरका को किसने ब्रीफिंग दी? असेंबली तहलील ना होती तो ऐवान डेप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था। स्पीकर का अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी। अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता है तो क्या अदालत अब भी मुदाखलत करती है? तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, पार्लिमानी कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो दादरसी कैसे होगी? क्या दादरसी ना हो तो अदालत जो है वो खामोश बैठी रहे? आइन का तहफ्फुज भी आइन के मुताबिक होना चाहिए। नवीद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताएगा आज खुद समाअत के हवाले से क्या मुकालमा हुआ आप चीफ जस्टिस का और वकला के दरमियान? जी आप अपना सवाल चलाइए।
जी नवीद बताएगा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज को नोटिस की समाप्त हुई है, क्या मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस और वकला के दरमियान? जी बिल्कुल, नईम बुखारी ने आज अपनी दलाइल जब दोबारा से शुरू की है बक्सर सवाल के बाद, तो उस वक्त उनको ये कहना था कि तमाम अपोजिशन और वकील ने कहा कि सवाल नहीं पूछने से वोटिंग करवानी है, इस शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। ये कहना था नईम बुखारी का, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी ब्राइक कौमी सलामती के सब पर ब्रीफिंग की दी गई। आज नईम बुखारी ने पार्लिमानी कमेटी के जो मिनट मीटिंग मिनट थे वो भी पेश कर दिए अदालत में। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी को बताया गया कि अदम एतबाद नाकाम हुई तो इसके नतज अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को भी सलामती में 11 लोग शरीक थे, चीफ जस्टिस का ये कहना था। और इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग किसने दी? चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के नाम मीटिंग मिनट्स में शामिल नहीं है। आज जब मीटिंग मिनट्स पेश किए गए अदालत में तो उस वक्त जजेस ने उस मीटिंग मिनट का है जो वो एक नज़र उनको देखा। आज तक चले इस वक्त नईम बुखारी के दलाइल हैं वो जारी हैं, जब इनके दलाइल खत्म होंगे तो इसके बाद बाकायदा अटॉर्नी जनरल हैं वो अपने दलाइल शुरू करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे आज के दिन में ये दोनों वकला हैं वो अपने दलाइल देंगे, और ऐसा ही ऐसा ज़्यादा चांसेज आज इस बात के हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारे वकला को सुनने के बाद अपना जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी करेगी। जी नवीद, आपने जिक्र किया कि मीटिंग मिनट शामिल कर गए, क्या कौम सलामती काउंसिल के मीटिंग मिनट जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ शेयर किए गए खत के मरासले के हवाले से? जी जी बिल्कुल, जो कौम सलामती कमेटी के हवाले से मीटिंग मिनट से वही शेयर किए गए। जी सही, बहुत शुक्रिया नवीद आगाह करने के लिए। अपडेट करें, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज को नोटिस की समाअत, सदर के वकील अली जफर और वकील वजीर आजम के दलाल मुकम्मल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी के दलाल। नईम बुखारी ने कौमी सलामती कमेटी के मिनट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। कमेटी के इजलास में कौन कौन शरीक रहा, कमेटी इजलास के शुरका को किसने ब्रीफिंग दी, स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की, असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था, अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता तो क्या अदालत अब भी मुदाखलत करती, तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी का मतलब ये नहीं कि वो मुस्तरद नहीं हो सकती, अदालत भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके बाद में खारिज कर लेती है। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। सदर मुमलिकत के बैरिस्टर अली जफर के सुप्रीम कोर्ट में दराए, जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा पार्लिमानी कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो दादरसी कैसे होगी, क्या दादरसी ना हो तो अदालत खामोश बैठी रहे, आइन का तहफ्फुज भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ज्यादती किसी एक मेंबर के बजाय पूरे ऐवान से हो तो क्या होगा, अगर जजेस का आपस में इख्तलाफ हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत करती है? अली जफर ने रिमार्क्स दिए, जैसे पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं करती वैसे अदलिया भी नहीं कर सकती, वाजे करें कि कोई आईनी बुरान है तो कैसे है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, निगरान वजीर आजम का तकर्र का अमल भी इस वक्त जारी है। क्वाइन शिकनी से मुस्तरद करना जमहूरियत पर हमला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को किसी सूरत कबूल नहीं करते, वफाकी पार्लिमानी निजाम के तहफ्फुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, खैर आइनी इकदाम की फौरी तनसीख की जाए, जब तहरीके अदम एतमाद पेश होगी तो आपको खत याद आ गया, जुमा को यौम तहफ्फुज़ आइन, यौम तशक्कुर और यौम निजात मनाया जाएगा। पंजाब में कौन सा खत आया जो हुलड़बाजी की जमहूरियत के लिबादे में बदतरीन डिक्टेटरशिप है, हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में भी जाएंगे, हम मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते हैं। दूसरी जानब शहबाज गिल कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़े धमकी दे दी, फजलुर रहमान ने कहा फैसला इनके खिलाफ आया इसको नहीं माना जाएगा, फजलुर रहमान ने कहा फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जाए, शहबाज गिल का ट्वीट, ये है इनके रवैये, ये खुद को जमहूरी कहते हैं। चीन का कहना है पाकिस्तान की तमाम जमातें मुतहद होकर मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम को बरकरार रखें। चीनी वजारत खारजा के तरमान जाओ लिजियान ने बीजिंग में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा पाकिस्तान की तमाम जमातें मुतहद रहकर मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम को बरकरार रखें, उम्मीद है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से सी पैक और पाक चीन तआवुन मुतासर नहीं होगा। वजारत खारजा के तरजमान ने कहा चीन ने हमेशा दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर अमल किया, चीन और पाकिस्तान को तमाम मौसमी तजीराती तआवुन पर मुबनी शराकत दार करार देते हुए उन्होंने कहा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अटूट और मजबूत रहेंगे।
वजीर आला पंजाब का पसमानदा इलाकों के तालबात के लिए अहसन तरीन इकदाम। पसमानदा इलाकों के तालबात के लिए नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 20% कोटा मकदर। पसमानदा इलाकों के तालबात को रोजगार के मौाक मैसर होंगे। पसमानदा और दूर दराज इलाकों के मरीजों के लिए नर्सिंग स्टाफ मैसर होगा। सेहत हमेशा दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। पसमानदा इलाकों के लोगों के हकूक के निगवां हैं। अब कुछ कात कोरोना वायरस की, तो 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद कोई हलाकत नहीं हुई। कोरोना से जांबाक अफराद की तादाद 3361 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 170 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मरीजों की तादाद 15,26,093, जबकि 26 घंटों के दौरान 28,967 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 0.58% रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 9,198 है। NIH के मुताबिक कोरोना से मुतासर 291 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। KP फूड अथॉरिटी की पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। क्रैकडाउन के दौरान हजारों लीटर जाली और जायदुल मियाद मशरूबात बरामद। GT रोड पर गाड़ी से 1000 लीटर से ज्यादा जाली रूह अफ्जा मशरूब बरामद। जाली मशरूबात को पिशावर से नौशहरा सप्लाई किया जा रहा था। चारसदा रोड पर गोदाम पर छापा। 1500 लीटर से ज्यादा जायदुल मियाद जूस बरामद। गोदाम से भारी मकदार में जायदुल मियाद मिल्क पैक भी बरामद, जबकि कार्रवाई में गोदाम को सील कर दिया गया। मालकान मजीद कार्रवाई के लिए दफ्तर तलब कर लिया गया। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में हुक्मरानी बरकरार है, जबकि इमाम उल हक भी तीसरी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से जारी करदा वनडे की दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने पहली पोजीशन बरकरार रखते हुए साबिक भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। आलमी नंबर वन बल्लेबाज अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। उनकी रेटिंग पॉइंट्स की तादाद 891 हो गई। इन रेटिंग पॉइंट्स के साथ ही बाबर आजम ने साबिक अली अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड माइकल बियॉन दोनों को पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर की जानब से करियर में हासिल किए गए सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स की तादाद 887 थी, जबकि बियॉन ने 885 पॉइंट्स तक रसाई हासिल की। वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स का एजाज अजीम वेस्ट इंडियन बल्लेबाज विविन रिचर्ड के पास है, जिन्होंने 935 पॉइंट्स हासिल किए।